प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट? इन हियर यू कैन सी ए बी सी डी, देर इज सम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ओके? तो इन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न या शेप से इन्होंने ये एक पैटर्न बना दिया है, ओके? ये कंटिन्यू एक शेप को इन्होंने रोटेट करके और ये पैटर्न बनाया है। तो अब आपको बताना है कि जो पहला शेप है और दूसरा शेप और तीसरा शेप देख के आप फोर्थ एंड फिफ्थ शेप का भी आप वो कर सकते हो, गैस कर सकते हो कि इसमें क्या आने वाला है। लाइक इन ए यू कैन सी दिस इज़ द सर्कल, ये इन्होंने इसको क्या किया है, 1/6, इसका मतलब कि 1/6 का जो एक पार्ट है ना, इन्होंने उसको बस वन टाइम रोटेट किया है। तो सबसे पहले ये ऐसा है, इसके बाद जब ये 1/6 पैटर्न बिल्कुल थोड़ा सा इसको रोटेट किया तो ये ऐसा स्ट्रेट हो गया, इसके बाद 1/6 फिर से इसको पैटर्न को थोड़ा सा रोटेट किया तो ये ऐसा हो गया, इसके बाद ये इस टाइप से आ जाएगा, आफ्टर दैट इस तरीके से ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये 1/6, इसे इस एक पार्ट का 1/6 पार्ट इन्होंने टोटल कर लिया है और उसको ये पैटर्न को मूव करते जा रहे हैं, ओके? वन बाय वन मूव करते जा रहे हैं जिससे ये एक पैटर्न तैयार हो गया। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट बी, देर इज दे गिव हियर एन वर्ड, ओके? सो इन दिस एन अल्फ़ाबेट, बाय द यूजिंग ऑफ दिस एन अल्फ़ाबेट दे आर मेकिंग दिस पैटर्न। तो सबसे पहले इन्होंने एन को स्ट्रेट रखा, इसके बाद इन्होंने इसको 1/4 टर्न करके शेप बनाया, ओके? सो फर्स्ट में स्ट्रेट है, इसके बाद 1/4 इसका टर्न लिया, इसके बाद अगेन 1/4 टर्न लिया, इसके बाद अगेन 1/4, तो इस तरीके से ये इनका पैटर्न तैयार हो गया। अंडरस्टूड? इस तरीके से ये पैटर्न तैयार हो गया है। आफ्टर दैट सी, ओके? तो अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, सी आप खुद से करेंगे, डी वाला भी आप खुद से करके देख लेंगे, ओके? कुछ नहीं है इसमें, जो उन्होंने डिग्रीज में इसको जो पैटर्न्स बनाए हैं इनको किस शेप में घुमाया है ये आपको थोड़ा सा गैस करना है, ओके? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और कौन से 1/3, 2/4 किस तरीके से इसका इन्होंने पैटर्न बनाया है उसको आपको गैस करना है और नेक्स्ट 4th एंड 5th में क्या आएगा उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अंडरस्टूड? After that we are coming on second. See this pattern. तो यहाँ पर आप इन patterns को देखिए, A इन्होंने F का use किया है इसमें, F alphabet का, और इसको इन्होंने किस shape में जो move on किया है, देखिए pattern किस तरीके से बनाया है, इसका भी इन्होंने 1/6 निकाला है और 1/6 के हिसाब से इन्होंने इसको मूव किया है, ओके? इस पैटर्न को बनाया, तो सबसे पहले स्ट्रेट है F, इसके बाद 1/6 फॉर्म में एक बार इसको इन्होंने रोटेट किया, इसके बाद अगेन 1/6 में इसको रोटेट किया, इसके बाद अगेन 1/6 में, और ये जो लास्ट वाला आएगा ये इस तरीके से F आ जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि ये किस फॉर्म में इन्होंने इसको डिवाइड किया है या किस तरीके से ये पैटर्न बनाया है, ओके? तो जो स्टार्टिंग के इसमें शेप्स बने हैं या जो भी अल्फ़ाबेट या पैटर्न बने हुए हैं आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे वाले पैटर्न में क्या बनने वाला है। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये 1/2 रिपीट किया है या हाफ टर्न किया है, 1/4 किया है, किस तरीके से इसको बनाया है। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको भी करना है ये। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दिस, द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 degrees ईच टाइम, विच विल बी द नेक्स्ट, टेक राइट द राइट वन, ओके? तो जो रूल है इस पैटर्न का उसको क्या किया है, इन्होंने टर्निंग किया है 45 degrees हर टाइम, पर टाइम इन्होंने हर एक बार जो नया नंबर आ रहा है ये जो एफ अल्फाबेट को इन्होंने 45 degrees हर बार मोड़ा है, ओके? तो जो नेक्स्ट क्या आने वाला है अब आपको 45 degrees के हिसाब से कर सकते हैं, या आप अगर आपके पास डिवाइडर है तो आप उससे भी गेस कर सकते हैं, आप उसको जब इसमें अच्छे से सेट करेंगे ना F को, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये किस डिग्री में या कहाँ पर 45 डिग्रीज का कहाँ आएगा, तो ये F शेप को आपको किस तरीके से बनाना है। अंडरस्टूड? सो विच विल बी द नेक्स्ट, टिक राइट द राइट वन, तो अब आपको जो इनमें से जो सही है उस पर राइट करना है। सो आपको 45 डिग्री में ये हर एक एफ को 45 डिग्री कहाँ पर आ रहा है वो देखना पड़ेगा। यू कैन मीजर इट बाय द योर इन कंपॉक्स बॉक्स, यू हैव द डी ना इन योर कंपॉक्स बॉक्स, राइट? तो आप उसमें 45 डिग्री देख सकते हैं, राइट? तो हर एक शेप को आप जब उसको मेज़र करेंगे उसके थ्रू तो आपको पता चल जाएगा 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है और ये अगला शेप इसका किस तरीके से मुड़ेगा, ओके? तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डी। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट
दिस यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। तो ये सेम रूल को अब आपको फॉरवर्ड करते रहना है कि इसका स्टार्टेड कहाँ से किया आपने, अब नेक्स्ट क्या आएगा, इस हिसाब से अब आपको इसको मूव ऑन करते रहना है और रिपीट करते रहना है एक एक स्टेप बढ़ाते हुए। ओके तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं ये पी वाला आपको बता देती हूँ कि पहला तो ऐसा दिया है, दूसरा ऐसा दिया है, थर्ड टाइम पे ये ऐसा दिखेगा, फोर्थ में, फिफ्थ टाइम में, सिक्स टाइम में, सेवन टाइम में। तो ये अब ये यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। ओके तो ये जो स्टार्टिंग की दो दो शेप दी है ना, तो इनको आपको तब तक रिपीट करना है जब तक लास्ट में यही वाली दोनों शेप्स नहीं आ जाती, लाइक दिस पी। तो जहाँ से हमने शुरू किया आप एंडिंग लाइन में देखिए तो वहीं पे हमने एंड किया है, अंडरस्टूड। इसी तरीके से आपको ये बी वाला एल भी करना है, तो जो इन्होंने स्टार्टिंग में दिया है वही आपको एंड में आना चाहिए, अंडरस्टूड। तब तक आपको ये रिपीट करते रहना है। ओके सो डू इट इन योर मैथ्स कॉपी।